गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दसवीं क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें पद भाग हम कर रहे हैं, जिसका हमारा छठा पाठ है, जो नागार्जुन कवि द्वारा रचित एक कविता है। कविता का क्या नाम है? यह है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान, जिसमें कवि 6 से 8 माह के बच्चे के दूध या दांतों वाली मनमोहक मुस्कुराहट का सुंदर चित्रण करते हैं। कवि क्या कहते हैं? तुम्हारे ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। हे शिशु, तुम्हारी ये दूध या दांतों वाली मनमोहक मुस्कुराहट मृतक में भी डाल देगी जान। इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि ऐसा लगता है इससे मृतक मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाए। धूले धूसर तुम्हारे ये गात, धूले धूसर धूल से भरे हुए तुम्हारे ये गात गात शरीर, तुम्हारा धूल से भरा हुआ ये शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोपड़े में खिल रहे जल जात। तुम्हारा धूल से भरा हुआ ये शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो जल जात कमल जल में जन्मे हुए, अर्थात कमल, मानो कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण और तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर तुम्हारे छूने से ही पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण कठोर पत्थर भी मानो पिघल कर जल बन जाए। तुम्हारे कोमल शरीर के छूने से मानो कठिन पाषाण पाषाण पत्थर कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन जाए। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल, और तुम्हारे छूने मात्र से ही बांस व बबूल के कांटिले वृक्षों पर भी शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगते हैं। तो ये कविता में अतिशोक्ति अलंकार का अधिक प्रयोग है। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया गया है। यहाँ पर बच्चे के कोमल शरीर और उसके दूध या दांतों वाली मनमोहक मुस्कुराहट का सुंदर चित्रण किया है। आगे कवि क्या कहते हैं? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेश। एनिमेश देखना, टकटकी लगाकर देखना, बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देखना। कवि कहते हैं कि हे शिशु, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए मुझे इस प्रकार से बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देख रहे हो। थक गए हो आंख लू में फिर, इस प्रकार से देखते हुए तुम थक जाओगे, इसलिए मैं ही अपने नजरें हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। कवि कहते हैं कि हे शिशु, यदि आज तुम्हारी माँ हमें मिलाने का माध्यम नहीं बनती, यदि आज भी तुम्हारी माँ हम दोनों को नहीं मिलवाती, तो शायद आज भी हम दोनों पहली बार एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाते। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, और तुम्हारे इस मनमोहक मुस्कुराहट को मैं नहीं देख सकता था और नहीं समझ पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, हे सुसु, तुम्हारी ये दूध या दांतों वाली मनमोहक मुस्कुराहट मैं नहीं देख सकता और मैं नहीं समझ पाता। आगे कभी क्या कहते हैं? धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। हे शिशु, इतनी सुंदर मुस्कुराहट वाले शिशु तुम धन्य हो, और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी जननी तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर में अन्य, चीर लंबे समय से प्रवास दूसरे प्रदेश में रहने वाला अर्थात विदेशी, मैं इतर मैं तो कोई अन्य हूँ, कोई और हूँ, और लंबे समय तक विदेशों में रहने वाला मैं तो तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, अन्य के समान हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? हे प्रिय, मैं तो एक अतिथि मेहमान की तरह
रहा हूँ, अर्थात मैं तो ज्यादा समय बाहर रहा हूँ, विदेशों में रहा हूँ, और मुझसे भला तुम्हारा क्या संपर्क, तुम्हारा क्या संबंध रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक, तुमने तो अपने माँ की उंगलियों से ही शहद चखा है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम अपनी टेढ़ी नजरों से इधर मुझे देखते हो और हमारी नजरें मिलती हैं, आंखें चार हो ना नजरें मिलना, जब हमारी नजरें मिलती हैं तब तुम्हारी यह दूधिया दांतों वाली मनमोहक मुस्कुराहट, तब तुम्हारी दूधिया मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, तुम्हारी दूधिया दांतों वाली यह मनमोहक मुस्कुराहट मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे बहुत मुग्ध करती है। तो ये कविता जिसमें कवि ने 6 से 8 माह के बच्चे की दूधिया दांतों की मनमोहक मुस्कुराहट का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर कवि की भाषा सरल सहज व साहित्यिक खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। माधुर्य गुण वे वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, धूली धूसर जैसे ये जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अतिशोक्ति अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है कविता में। इसके अलावा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। तो इस कविता में कनखी मारना, आंखें चार होना आदि मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है।